आज अगर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है तो वो मूर्ति लगाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। मूर्ति लगाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य संविधान बचाना। मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे पे लगा देंगे, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम सिस्टम ने जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान के विरोध में जो डिसीजन दिया है, ये सारे वकील भाई आज उसके विरोध में आए। और यकीन मानिए, मूर्ति हटाओ से ज्यादा हमारा जो आज आंदोलन है वो संविधान बचाओ का आंदोलन है। और यकीन मानिए कि मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे में लगा देंगे, परंतु संविधान बचाना, आरक्षण का जो प्रारूप है उसे लागू करना और कॉलिजियम सिस्टम को, नहीं बाबा साहब का सम्मान मूर्तियों में नहीं है। आज जितने संगठन यहाँ पर हैं, वो कल जाके इंडिया और भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। जब मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंडिया की गोदी में बैठ जाएंगे, ये भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। पर सवाल ये है कि जो आज रिजर्वेशन खत्म करने के कागार पर सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉलिजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है, जो ये कहता है कि हम सब क्लासिफिकेशन संविधान में करेंगे, तो क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को और पेशवाई जजों को संविधान ने दी है? क्या हमारी लड़ाई मूर्ति लगाने तक सीमित है? आप वकील गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। देखिए, ये जो जाटव चमार वकील है, देखिए फैसला नहीं बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि जाटव हो, चमार हो, महार हो, मीणा हो, दानू हो, कुमार हो, जो समाज बाबा साहब को मानता है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा। आप कहते हो कि हम रिजर्वेशन खा गए, हम उनके रिजर्वेशन खा गए। अरे आप मांग करो ना कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो वाल्मीकि समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस धानुक समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस दोन समाज से बनाया जाए, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। पढ़ने तो दिया ही नहीं आपने, कहां से चीफ? नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ने दिया, जब आपके पास में दो रास्ते थे, पहला रास्ता बाबा साहब को अपनाने का और दूसरा रास्ता अमित चंद शर्मा के वाल्मीकि शब्द को अपनाने का। जानते हैं अमित चंद शर्मा का इतिहास? तो हमने बाबा साहब को चुना, हमने झाड़ू नहीं उठाई, हमने कलम उठाई। और जब आप मुझ पे आरोप लगाते हो, मेरे समाज पे आरोप लगाते हो, तो मैं बता दूं कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को, कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को। सुप्रीम कोर्ट उठ के कहेगा क्या हो गया इन बंगू धानिक जाटों चमारों को। सारी मलाई खा गए हो तुम्हें, मलाई जिस दिन मलाई उस दिन कहना जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूं, मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास रोल्स रॉयस हो, मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास पेंट हाउस हो, और मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मैं माल्या और मोदी जैसा लाखों करोड़ रुपए का गबन करके भारत से भागूंगा। मलाई की बात करते हो, क्रीमी लेयर की बात करते हो? अरे क्रीमी लेयर उनके क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट के क्रीमी लेयर से लागू करो ना, तब हम बताएंगे आपको। जिस दिन मैं 5000 करोड़ की शादी करूंगा, मैं जिस दिन 500 करोड़ का बंगला लूंगा, यकीन मानिए मेरी आने वाली 7 पुस्तें जो रिजर्वेशन नहीं लेंगी। परंतु डर नहीं है हमें, क्रिमिनल है किसी के, ये जो आरक्षण है किसी की भीख नहीं है, किसी के बाप की पसंद प्रॉपर्टी नहीं है, संविधान ने हमें दिया है, संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, पूना पैक्ट ने हमें दिया है। और रही बात क्रिमिनल एयर की, अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रिमिनल एयर कहते हो, तो जब खेलांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है, और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस कर्णन को जेल में डालते हो, तब क्रिमिनल एयर याद नहीं आता। और मैं बता दूं कि ये जो आप जो लोग हो जिन्हें लगता है कि ये बहुजन समाज के वकील आपके छलाव में आ जाएंगे, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की पॉलिसी है, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की है, उन पेशवाई जजों की है, उन एससी शेड्यूल कास्ट जजों की है जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो, रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। और अभी आप ये नहीं कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, फूट डालो शासन करो की वक्फ बोर्ड में आपको क्या मिल गया, आप वक्फ में
आप मुस्लिमों के बीच में आप जो है फूट डालो कि शासन को नीति कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के बीच में ये ला रहे हो और आप लोग हर फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं। नहीं ऐसा कहते हैं हम संविधान को मानते नहीं हैं। फैसला किसका, संविधान का या पेशवाई जजों का? नहीं गवई कौन, गवई जो जिनके जिनके परिवार वाले खुद इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और गवई से एक बात पूछिए ना, जब गवई साहब ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण जब तक तुम जैसे लोग कॉलिजियम सिस्टम से, तुम्हारे बाप दादा जो गवर्नर थे, तुम भी यहाँ पर टैक्स रिजर्वेशन लेके जो बने हो, और अगर तुम्हारे बच्चे अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते तो कॉलिजियम का लेते, तो तब तक आरक्षण होगा। और आरक्षण संविधान बाद में मिला, आरक्षण हमें पहले मिला। वाल्मीकि समाज से है, आपकी सरकार से, सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं, आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगले नंबर आपका है। शेड्यूल कास्ट के अंदर चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। और अगर वाल्मीकि समाज यह सोचता है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कुछ वर्गों का रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है, पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आप अपने आप को पक्का करवा लो, चमारों से लड़ाई बाद में लड़ना। अरे ये नहीं नहीं ये सवाल आप चमारों से पूछ रहे हो क्या? नहीं ये सवाल किससे पूछ रहे हैं आप? मलाई तुमने खाई? नहीं नहीं मलाई हमने खाई है। तो जब पूरा जो देश है, पूरा देश तुमने चांद तक पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए, क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाई है क्या? है? और जब पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत में जितने इंटरव्यू बोर्ड हैं उनके अंदर किसको हेड जो है जाटव चमार करता है, किसको करता है? अगर आप ये सोचते हो कि जाटव चमार ही खा रहा है तो बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो है ना तो स्पेशल जाटव का है, ना चमारों का, ना वाल्मीकि का, ना धानुक का, ना भंगी का, रिजर्वेशन सबका है। ईवी चनैया की जजमेंट थी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी इन द रिजर्वेशन कैटेगरीज अमाउंट टू नॉट गिविंग रिजर्वेशन टू दी डिप्लॉयड पीपल। तो जब आप ये मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हैं कि हम खा रहे हैं तो बिल्कुल गलत। वो भी शुक्ला जो है वाल्मीकि, वो भी इस पिटीशन में शामिल थे, वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण तो हमारे अपनों ने किया है। देखिए आप किसी भी कुकर मुत्ते के बारे में मुझसे बात करेंगे तो मैं नहीं जानता, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ आप सैकड़ों चैनल के माध्यम से कि अगर कोई कुकुर मुत्ता ये कहता है कि जाटव चमार रिजर्वेशन खा गए, तो ना तो जाटव समाज के लोग हैं। नहीं नहीं मुझे क्या पता आप किसका नाम ले रहे हो, आप किसका नाम ले रहे हो? अगर आप मुझसे किसी मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मुझसे बात करो बाबा साहब की बात करो, मुझसे बात करो सुप्रीम कोर्ट की बात करो। और कल कोई संघी आगे नाचने लग जाए, कोई संघी जो है संघी आगे हंडिया पीछे गले आगे हंडिया पीछे, शुक्ला को संघी क्यों कहा जा रहा है बार बार, हर कोई संघी बता रहा है। नहीं नहीं मैं अरे मुझे फिर वही बात, कौन है ये, कौन है ये, अमीचंद शर्मा है क्या ये? अरे मैं अचानक मोहन भागवत से क्या मिलने में जब सारे संघ नहीं, अरे भाई मुझे देखिए ना तो हमें मोहन भागवत से कोई लेना देना, ना ही किसी एक्स वाई जेड से कोई लेना देना। मेरे जाटव समाज को अगर कोई कमजोर समझता है तो वो कमजोर ना समझे। हम संवैधानिक मामलों में, गैर संवैधानिक मामलों में अगर आप ये कहते हैं, वही ना हो गया जो लोग चाह रहे हो वही बढ़ गया। नहीं बिल्कुल देखिए सुनिए, अगर आप हमें सोचोगे कि वाल्मीकि जो, अगर आप ये सोचते हो कि जाटव समाज जो है आपकी प्रतिक्रिया पे चुप रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बता दो, एक जाटव समाज के पास अगर कोई रोल्स रॉयस दिखा दे, पाम जुमेरे में कोठी दिखा दे, तो मैं भी मान लूंगा कि मैंने आपका जो है शोषण किया है। मायावती का एग्जांपल देते हैं लोग, किसका? मायावती का। नहीं देंगे, वही तो खटक रही है आपकी आंखों में। जब पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा एनडीए गठबंधन और यहाँ मंच पर बैठे हुए अधिकतर लोग जब इंडिया गठबंधन के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि आपातकाल की स्थिति है, बच्चों को बचा के रखे। नहीं नहीं सारे, अरे उसके अंदर ना जो मंच है, मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ ना, जब 3 तारीख को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, ऐसी क्या मजबूरी थी आप मूर्ति लगाने के पीछे पड़े हुए? आपको संविधान बचाना है या मूर्ति लगानी है?
आपको एक चूज करना है, बाबा साहब का सम्मान बचाना, अपना इतिहास बचाना। अरे तो अपना इतिहास बचाना तो संविधान खत्म कर दो, मनुस्मृति लागू कर दो, आपका सम्मान बचा रहेगा। आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, खूब सम्मान करवाओ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से आपका तो दायित्व और कर्तव्य यही है। तो आप खिलाफ है मूर्ति के? मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि पहले रिजर्वेशन और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके बाद मेरे लिए मूर्ति की लड़ाई है। आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। जो गरीब रहने वाला है, जो गांव में रहने वाला गरीब है, जिसके छत पे झोपड़ी नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिनकी बेटियों को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, पहले मुझे उसकी लड़ाई लड़नी है। मूर्ति की लड़ाई मैं बाद में लड़ूंगा। तो वही तो लड़ाई है, ये भी मूर्ति लगाने की लड़ाई। ये कल जाके ये कह देंगे कि हमने 10,000 लोग लाए, 100 संगठनों के साथ 100-100 आदमी नहीं है, क्या ये इनकी नालायकता नहीं है? क्या ये नहीं है कि इनका फेलियर है? फूले भी ले जाएंगे, फूलों का गुच्छा भी लेके जाएंगे। अभी जाके जाएंगे बीजेपी की गोदी में बैठ जाएंगे, वहाँ जमजम पिएंगे और गुलगुले खाएंगे और कह देंगे कि हमारे साथ जो है 2,00,000 लोग थे, बस। फिर राज्यसभा मांगेंगे, कोई काउंसलर की टिकट मांगेगा, कोई राज्यसभा तो आंदोलन ना करे, लोग सड़क पे आकर आंदोलन करिए। किस चीज के लिए? अगर आप सोचे मूर्ति के लिए आंदोलन, तो मूर्ति के लिए आंदोलन नहीं होगा ये। धन्यवाद।